इस बार तो बर्फ आसमान से बरस रही है। बहन सोनिया जी, लकड़ी भी सारी की सारी चलने वाली है। राहुल जाओ, कहीं से दो चार लकड़ी बीन के ले आओ, नहीं तो ये आग बुझ जाएगी, फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मोदी जी, बेफालतू की बात तो करो मत, राहुल कहाँ से लकड़ी बीन के लाएगा? अभी तो राहुल ये लकड़ी बीन के लाया था, वो लकड़ी जल चुकी। आप जाओ कहीं से लकड़ी ढूंढ डांट के लाओ। मोदी जी, आपने जो छत बनाई थी चादर की, चादर में भी छेद हो गया। चादर के छेद में से बर्फ ऊपर से नीचे गिर रही है। मोदी जी, इस बार की ठंड तो कटे से नहीं कट रही है, आग के सामने बैठे बैठे पूरा दिन हो जा रहा है और ऊपर से बर्फ की बरसात नहीं थम रही है। मम्मी जी, मोदी जी को कहाँ पे लकड़ी ढूंढने के लिए भेजोगी? मैं दो चार लकड़ी ढूंढ के ले आता हूँ। अरे मम्मी जी, योगी जी आ रहे, योगी जी की जगह में अपना लोग लकड़ी जला रहे, कहीं ये कुछ बोले ना। अरे मोदी जी, सोनिया जी, ये लकड़ी कहाँ पर जला रहे हो? मेरी जगह में सारी की सारी मेरी जगह खराब कर दे रहे हो। अरे योगी जी, दो चार दिन की ठंड है, ठंड में आपकी इस जगह में लकड़ी जला के ठंड को काट रहे क्या? करा जाए, लकड़ी जलाने से आपकी जगह बेकार थोड़ी हुई जा रही है कोई। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करती हो, जगह बेकार क्यों नहीं हो रही है? सारी की सारी मेरी जमीन खाली कर दी आपने आग जला जला कर। योगी जी, कैसी बात करती हो? दो चार दिन की ये बर्फ और पड़ रही है, जैसी बर्फ पड़ना आसमान से बंद होगी, हम आपकी इस जगह में लकड़ी जलाना बंद कर देंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। अरे अखिलेश, कैसे बिर रहे हो? मोदी जी, कैसा क्या बिर रहा हूँ, इस ठंड ने तो पूरा हाल कर रखा है। जलती हुई लकड़ी देखता फिर रहा था, आप लकड़ियां जला रहे हो, यहीं पे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। बैठ जाओ अखिलेश, बैठने के लिए कोई मना ही नहीं है, आओ आग के सामने बैठ जाओ। तुमने तो स्वेटर वगैरह भी नहीं पहन रखी है, आओ जल्दी बैठ जाओ यहाँ आगे। चलो मोदी जी, कोई बात नहीं है, जब तक ठंड पड़ती है आप मेरी इस जगह में आराम से बैठ के लकड़ियां चलाते रहो और आराम से बैठ के ठंड को दूर करते रहो। योगी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की, कोई बात नहीं, हम यहीं पे रहेंगे जब तक ये ठंड खत्म नहीं हो जाती। इस बार तो ठंड का कहर चारों तरफ छाया हुआ है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।